हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। मैं इस वीडियो में आप लोगों को तीन ऐसे संकेत बताऊंगी जिनमें से कोई एक संकेत अगर आपको मिलता है या फिर सारे संकेत आपको मिलते हैं तो तुरंत समझ जाना कि आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको सच्चा प्यार करती है या फिर करता है। यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूजे के लिए बनाया है। यह तीन संकेत ऐसे ही किसी को नहीं मिलते हैं। यह तीन संकेत सिर्फ उनको मिलते हैं जिनके भाग्य में किसी का सच्चा प्यार लिखा होता है। यह तीन संकेत यूनिवर्स जी बहुत कम लोगों को ही दिखाते हैं, पर जिन कपल्स को दिखाते हैं ऐसे कपल्स को एक होने से इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह तीनों संकेत लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक हिस्सा है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं एक एक पॉइंट एकदम क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो में यह भी बता दूंगी कि अगर आपको कोई भी संकेत नहीं मिलता है तो फिर आप यह कैसे पता कर सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं बने हो, या फिर आप दोनों का रिश्ता कैसा चलेगा, वह आपको सच्चा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, वह कहीं आपसे टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। तो पहला संकेत यह होता है कि ना तो आप किसी से प्यार करते हो, ना ही आपके दिल में किसी के लिए कोई प्यार वाली फीलिंग है, फिर भी आपको एकदम अचानक से ऐसे प्यार वाले सपने आने शुरू हो जाएंगे। सपने में आप यह देखोगे कि किसी के साथ आप बहुत प्यार भरे पल बिता रहे हैं या प्यार भरे पल एंजॉय कर रहे हैं। यह सपना इतना रियल होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यह सब कुछ एकदम सच में हो रहा है। पर इस सपने की एक सबसे अलग चीज यह होगी कि सपना तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि एकदम रियल में यह सब कुछ हो रहा है, फिर भी सपने में उस इंसान का चेहरा एकदम भी क्लियर दिखाई नहीं देगा, फेस थोड़ा धुंधला सा नजर आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सपने में सब कुछ हकीकत जैसा होगा, पर सपने में उस इंसान का चेहरा थोड़ा भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। पर रियल लाइफ में जब आप अपने प्यार से मिलोगे तो उस वक्त आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे यह सोचकर कि यह तो वही इंसान है जो मेरे सपने में आया करता था। संकेत नंबर दो, पॉइंट नंबर टू यह होता है जब आपको किसी इंसान से सच्चा वाला प्यार हो जाता है, या फिर किसी को जब आपसे सच्चा वाला प्यार हो जाता है तो एकदम से अपने आप सब कुछ बदलने लगता है। जैसे आपका टेस्ट, कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी पसंद या फिर आपकी नापसंद सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगा। जैसे कि आपके बॉयफ्रेंड को मैगी खाना पसंद है, पर पहले आपको मैगी खाना एकदम पसंद नहीं था, पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद एकदम अचानक से आपको मैगी खाना अच्छा लगने लगेगा। पहले आप कभी भी मंदिर नहीं जाती थी, पर अब मंदिर जाना आपको अच्छा लगने लगेगा। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ऐसा उनके साथ भी होगा। जो भी आपको पसंद है वह धीरे धीरे उनकी पसंद बनने लगेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, इसलिए यूनिवर्स जी दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच बना रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। संकेत नंबर तीन यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलोगे तो आप दोनों का मिलना एकदम अचानक से होगा, तो पहली मुलाकात में ही वह आँखों के रास्ते आपके दिल में उतर जाएंगे। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाएगा। यह हो सकता है कि यह मानने में आपको कुछ समय लगे कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। पहली मुलाकात होने के बाद से एकदम अचानक से आप दोनों का मिलना होता रहेगा। जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में गए, वह भी उस सिनेमा हॉल में आपको अचानक से मिल गए, तो यह ऐसे ही नहीं हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके नसीब में उनका सच्चा प्यार लिखा हुआ है, इसलिए यूनिवर्स जी दोनों को इस तरह मिला रहे हैं। पर इन तीन संकेत में से कोई भी संकेत आपको नहीं मिला है, पर आप यह जानना चाहते हैं कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं, वह आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वह कहीं आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, वह आपके साथ शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कहीं उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। तो आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से एकदम आसानी से आपको पता चल सकते हैं। मैंने खुद भी बहुत से लोगों के लिए थर्ड आई रीडिंग करके उनके क्वेश्चन के आंसर उनको दिए हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।